अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करवा पाते, कल ये प्रश्न रह गया था, है ना, नहीं गया जी जा पाते, क्योंकि उनके पितर महाराज ये प्रार्थना करते रहते कि हमारे कुल वंश में कोई ऐसा भगवत भक्त जन्म ले जो हमारा उद्धार कर सके। पितरों की प्रार्थना होती है, हमें अन्न जल पहुंचा सके, कुछ कर सके, कुछ दान पुण्य करे। तो जो ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता, जिसके पास धन नहीं है, वो ब्राह्मणों को भोजन कराए, अगर वो पिंड दान नहीं कर सकता, श्राद्ध नहीं कर सकता, और अगर ये भी ना हो तो गौ माता को ग्रास डाले ना। भगवान तीन जगह से देवताओं और पितरों को तृप्त करते हैं। पहला, गौ माता के मुख से, गौ मुख से आप जो भी डालेंगे वह सब देवताओं को, ऐसे सृष्टि में कोई भी देव और पितर नहीं बचता जिनको प्राप्त ना हो, गौ माँ के मुख से सीधे प्रभु प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि गाय के मुख से ही गायत्री का उत्पत्ति हुई है, गाय के मुख से निकालकर उरु से, क्योंकि गाय का मुख पवित्र भी माना जाता है। अब कई शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गौ माता ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोल दिया था, इसलिए गाय का मुख अपवित्र हो गया है। पर सच कहूं तो गौ पवित्र नहीं है। आप देखें उसके अंदर अगर आपको क्रोध आता है, आप जब गाय की आंखों में देख लेते हैं तो करुणा की मूर्ति, आपका क्रोध कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, आप बहुत शांत स्थिर हो जाएंगे। यदि गौ माता के समीप जाकर उनकी आंखों में देखना, अगर उन्होंने आपको लाड़ प्यार करना आरंभ कर दिया, मैंने आपकी जीवन के जो दुर्भाग्य हैं वो तो विदा ही हो गए। कितना करुणा से भरी हुई है गौ माता, इसलिए उसे देवी स्वरूप कहा जाए, मां स्वरूप कहा जाए, तो यह सत्य नहीं है कि अगर किसी धनी के घर पर गौ माता है, किसी भक्त के घर पर गौ माता है और भक्त के जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो अपने जीवन के ऊपर ले लेती है, और अगर कष्ट आने वाला है तो आप देखिएगा उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने आरंभ हो जाते हैं। कितना हृदय से जुड़ी हुई है। इसलिए पहला गौ का स्थान है, गौ माता को अगर आपके पास नहीं है ज्यादा अपने देवताओं के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए इतना धन नहीं है, तो गौ माता को ये बोलकर खिलाएं, हे गौ माता हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पर आपका मुख साक्षात प्रभु का मुख है, यदि आपने खा लिया तो हमें ऐसा सामर्थ्यवान बना दें कि संसार में कोई ऐसा पुण्य कृत ना छूटे हमसे जो हम ना कर सके। इस भाव से दिया हुआ गौ ग्रास साक्षात हरि अर्पण करते और उनसे समग्र संसार नहीं सृष्टि तृप्त हो जाती है। तो गौ और फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण को अगर आपकी सामर्थ्य तो पवाएं, उसके मुख से भी साक्षात भगवान ही पाते हैं, या फिर ये भी ना हो तो अग्नि, ये तीन चीजें हैं, ये समझिए देव पुण्य का कर्म के लिए ये तीन बैंक हैं जहां आप अपने पुण्य कर्म जमा कर सकते हैं। पहला गौ माता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अग्नि। तो यहां यज्ञ रूप भगवान ने रखा है, तो जिसको अगर नहीं उसकी सामर्थ्य है कि गौ माता को भी चारा खिलाने की, तो वो अपने हाथ से एक मुट्ठी काले तिल ही छोड़ दे चलती हुई नदी में, उससे भी पितृ तृप्त हो जाते हैं कि हमारे वंश में ये दुखी है, कष्ट में है। याद रखिएगा, भगवत कृपा पाने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति के जीवन में संकट इसलिए होता है क्योंकि उसके पितृ दुखी होते हैं। तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो काले तिल प्रभावित कर दें, ये कहते हुए कि मेरे पास इतना विस्तार नहीं, मेरे पास इतना धन नहीं है, हे पितृ देवताओं, इसलिए आप इसी से ही तृप्त हो जाएं। ये भी ना हो तो 10-8 तिल ही, और अगर इतना भी किसी के पास नहीं होता है तो भी सहूलियत है कि फिर वन में जाकर के किसी जंगल के ऐसे एकांत स्थान में दोनों हाथ ऊंचे करते हुए
और पितरों से ये प्रार्थना कर दे कि मेरे पास है मेरे वंश के पितरों, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी सामर्थ्य मुझे इस बार आपने इस जन्म में बनाया ही नहीं, मैं कहां से देता, पर मैं भक्ति करके साधना करके आप सबको उतार दूंगा, मेरी भक्ति में से आप सबका हिस्सा होगा। तो वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपको वह सब सुख संपदा वंश परंपरा सब प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रभु भी कहते हैं कि अपने पितरों का तो अवश्य कल्याण करना चाहिए, उनके निमित्त कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करें। अगर किसी के वंश के पितर परम पद को प्राप्त कर चुके हैं तो भी कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है कि अगर आपने पितरों के निमित्त कर भी दिया तो पितर तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, उन पितरों के ऊपर देवता है ना, पितर देवता उनको प्राप्त होता है, तो वो उसका चौगना बना के कर्ता को ही दे देते कि इसके पितर वंश में सब मुक्त हैं, कोई बचा नहीं, इसलिए इस कर्ता ने जो किया है पुण्य कार्य इसी के खाते में जमा ना, ये व्यवस्था ऐसा नहीं कि पितर अगर मुक्त नहीं है तो आपका वैसा ही व्यथा चला गया, नहीं, वो आप ही को प्राप्त हो जाता है क्योंकि तो आपके वंश में सारे पितर तृप्त हैं, वे सब मुक्त हैं, कोई नरक आदि में नहीं फंसा।